फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। पर पूजा फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की खबरों पर। अमृतसर सरोवरों के निर्माण की नई टाइमलाइन पर अफसरों की निर्धारित होगी जवाबदेही। 5 जून से पहले जिले के सभी 115 सरोवरों का निर्माण कराना है पूरा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज, कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर श्रद्धांजलि सभा का किया जाएगा आयोजन। पहाड़िया में जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर मनोज पुष्प। ग्रामीणों ने कहा, साहब नल से आ रहा है गंदा पानी। कलेक्टर ने अधिकारियों को शुद्ध पानी जल शोधन संयंत्र तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का शीघ्र पूरा करने का दिया निर्देश। मलकपुर तालाब का होगा सौंदर्यीकरण। विधानसभा अध्यक्ष ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में जिला पंचायत रीवा रहा अव्वल। 92.54% अंक के साथ प्रदेश में रहा प्रथम स्थान। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पुलिस ने घूसखोर अधिकारियों के घर पर दी दबिश। मऊगंज में महिला बाल विकास की 2 अधिकारी 10,000 और रीवा में गृह निर्माण सोसाइटी के 2 अधिकारी 25,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। टीआरएस कॉलेज में बीएससी 5वें सेमेस्टर और बीबीए 30वें सेमेस्टर के जारी किए गए परीक्षा परिणाम में अधिकांश छात्रों को किया गया फेल। रिजल्ट में अनियमितता का लगा आरोप। टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य के नाम से छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा का रीवा बंद आज, व्यापारियों से मांगा सहयोग। निकाय चुनाव में 27% आरक्षण की मांग को लेकर होगा प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी ने भी किया है बंद का समर्थन। छोटी दरगाह के पास फर्जीवाड़े की शिकायत पर हुई कार्रवाई। मदरसा सदस्य ने मनमानी रूप से मेडिकल एजेंसी को किराए पर दे दिया था हॉल। किराए से दिए गए हॉल को कराया गया खाली। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती गांव के समीप हुई घटना में 2 वाहनों में टक्कर, 4 घायल। महावीरपुर कस्बा निवासी कुशवाहा परिवार के लोग जीप में सवार होकर जा रहे थे खटखरी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने। 6 माह से फीडिंग कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं अन्नदाता। नईगढ़ी तहसील का मामला, हलकों से गायब रहते हैं पटवारी, जिम्मेदार भी हैं बेखबर। तेज रफ्तार हुई बेकाबू, कई वाहनों को मारी टक्कर, 5 लोग हुए घायल। मनगवा थाने के त्यूनी मोड़ के समीप हुआ हादसा। अवैध रूप से जमीन में कब्जा करने के लिए गिराई गई बाउंड्री की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कोतवाली थाना क्षेत्र के गडरिया टोला की घटना। अनिल प्रताप सिंह भदौरिया 3 को आने बनाया गया आरोपी। पत्नी ने पति पर दर्ज कराई दहेज प्रताड़ना का मामला। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निवासी अंकिता सिंह की शिकायत पर पति राहुल सिंह के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की मामला, जाँच शुरू। दहेज की मांग की पूर्ति न कर पाने के चलते नवविवाहिता को बंद कमरे में ससुराल वालों ने की पिटाई। जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता पहुंची चुराटा थाने क्षेत्र के दादर गांव का मामला। पीड़िता मदीना बानो की शिकायत पर ताहरा बानो, शाहजहां बानो, मोहम्मद रुस्तम और मोहम्मद अशरफ के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, जाँच शुरू। तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक घायल। समान थाना के ज्योति स्कूल के सामने ओवरब्रिज के ऊपर हुई घटना। घायल अंकुर सिंघल की शिकायत पर बोलेरो क्रमांक MP18T1198 के चालक के खिलाफ दर्ज हुआ प्रकरण, पुलिस जांच में जुटी। समदड़िया गोल्ड के सामने रोड के किनारे खड़ी बाइक हुई चोरी। वाहन मालिक कमलेंद्र सिंह ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, अमैया पुलिस तलाश में जुटी। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से फिर किशोरी का हुआ अपहरण। घर में ना पहुंचने पर परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर शुरू कर रही है जांच। पुरानी रंजिश को लेकर युवक के साथ मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़। मनगवा थाना क्षेत्र के कटिहार निवासी रमेश कुमार पटेल के घर में घुसे अरविंद कुमार पटेल एवं अन्य साथियों ने दिया वारदात को अंजाम। पैसे के लेन देन को लेकर युवक के साथ मारपीट, गाली गलौज। हनुमाना थाना क्षेत्र के बिरहा फतेहराम दद्दी की घटना। पीड़ित सुधीर कुमार मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। नाबालिग किशोरी का युवक ने किया अपहरण। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने संदेही रमेश बसोर के खिलाफ दर्ज किया अपहरण का मामला, आरोपी की कर रही है तलाश। चाघर थाना क्षेत्र का मामला। अवैध रूप से पत्थर परिवहन करते पुलिस ने बिना नंबर के महिंद्रा ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। अवैध पत्थर लोड कर बॉर्डर पार कर रहा था ट्रैक्टर। चाघर पुलिस ने अरुण मांझी के नाम के तस्कर के साथ अन्य के खिलाफ दर्ज किया मामला। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने विकास तिवारी निवासी हिड़वार थाना मऊगंज के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज किया मामला, आरोपी की शुरू की तलाश। शहर में फिर शुरू हुआ सट्टे का कारोबार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में फल फूल रहा है व्यवसाय। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर सटोरियों के खिलाफ की कार्रवाई। सट्टा पर्ची नकदी किया बरामद। सिविल लाइन पुलिस ने गुलाब लोनिया, मोनू यादव, गोलू लोनिया, सुजल गुप्ता के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। खेत में नरवाई में आग लगाने से पंप हाउस और घर में लगी आग। खलिहान सहित अन्य सामग्री जलकर हुई राख। मनगवा थाना क्षेत्र के बिलहाई निवासी प्रमोद कुमार तिवारी के घर हुई आगजनी की घटना। पीड़ित की शिकायत पर राम खिलावत साहू के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया शिकायत। दर दर की ठोकरें खा रही युवती, 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई है दुष्कर्म की शिकायत। पुलिस ने नहीं की FIR दर्ज। आरोपियों में 2 तथाकथित पत्रकार हैं शामिल। असामाजिक तत्वों ने सड़क के किनारे रखी गोमती में लगाई आग।
आधा दर्जन टपरे जलकर हुए राख। खमैया थाना क्षेत्र के संजय गांधी अस्पताल के सामने हुई घटना। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।